मजा नहीं आ रहा है। हैकर, हैकर। मजा आया। तो हेलो खूनी गेमर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की ये वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो देखो, आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि बन टैप वाली गन का यूज करे, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि हेडशॉट वाली गन का यूज करते हैं। आप में से हर किसी बंदे के पास अलग अलग डिवाइस, जैसे किसी के पास पोको है, किसी के पास रियलमी है, किसी के पास सैमसंग है, आप में से किसी बंदे का मोबाइल का रैम अलग है और रेंज भी अलग है। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आप लोगों की सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो, यहाँ पर जो भी मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ वो प्रूफ के साथ ही बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको अपने मन से कोई भी सेंसिटिविटी सेटिंग बता दी। यहाँ पर जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग होगी वो आप लोगों के मोबाइल की रैम और मोबाइल की कंपनी के हिसाब से होगी। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिवअवे और चल रहे हैं। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड दूंगा। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। साथ ही में तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट और है। देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मुझे आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा सपोर्ट दिखा रहे हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन भी याद से दबा देना। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं विद प्रूफ के साथ कि आप लोगों को अपनी मोबाइल की रैम के हिसाब से, फिर मोबाइल की कंपनी के हिसाब से कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी चाहिए। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना। तो भाई, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउजर होता है उसे ओपन करना है। जैसे कि आप लोग क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरीके से टाइप करना है। सबसे पहले लिखना है आप लोगों को फ्री फायर। जैसे कि आप लोग फ्री फायर मैक्स लिखोगे उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल की कंपनी लिखनी है। जैसे मेरे पास पोको का मोबाइल है तो मैंने यहाँ पर पोको डाल दिया। आप लोगों के पास जिस कंपनी का मोबाइल हो सिंपली आप लोगों को वो कंपनी डाल देनी है। उसके बाद उस कंपनी के मोबाइल का मॉडल डालना, जैसे मेरे पास पोको X3 प्रो है तो मैंने यहाँ पर पोको X3 प्रो डाल दिया। मॉडल डालने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपली टाइप करना है सेंसिटिविटी, यानी कि आप लोगों को पूरा टाइप करना है फ्री फायर मैक्स। उसके बाद आप लोगों के पास जो भी कंपनी का मोबाइल हो कंपनी डालनी है, उसके बाद उसका मॉडल डालना और लास्ट में लिख देना आप लोग को सेंसिटिविटी। उसके बाद आप लोग को सिंपली इसे सर्च कर देना है। जैसे आप लोग इसे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में आप लोगों को अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है वो आपके सामने आ जाएगी। सिंपली आप लोगों को इसे क्लिक कर देना। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इसमें थोड़ा सा नीचे की साइड आना है। जैसे आप लोग इसमें थोड़ा सा नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल की जो भी स्पेसिफिकेशन होती है वो आपको बता देगा। जैसे आप लोगों के मोबाइल का रैम कितना है, आप लोगों का प्रोसेसर कितना है, आप लोगों का GPU कितना है, उसके बाद आप लोगों की बैटरी कितनी एमएच की, सब कुछ आपको ये बता देगा। इसके जस्ट नीचे ही आप लोगों को सेंसिटिविटी सेटिंग भी बता देगा कि आप लोगों को जनरल को 100 पे रखना है, रेड डॉट को कितने पर रखना है, 2x 4x स्नैपस्कोप, और उसके बाद आप लोग कौन से ग्राफिक्स पे खेलना है, कौन सा FPS सेलेक्ट रखना है, उसके बाद आप लोग कौन सा EM का रखना है, कौन सा फायरवॉल बटन का साइज रखना है, कितनी DPI आप लोगों को रखनी है। देखो, यहाँ पर आप लोग ये सेंसिटिविटी सेटिंग रख भी लोगे, आप लोग के बन टैप भी अच्छे पड़ेंगे, हेडशॉट भी अच्छे पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि आप लोग जब 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हो या फिर 2-3 दिन के बाद गेम खेलते हो उस टाइम पे आप लोगों के उसी सेंसिटिविटी पे ना तो बन टैप पड़ते ना ही आप लोगों के हेडशॉट पड़ते हैं। या फिर कई कई बार ऐसा होता है कि फ्री फायर के अंदर जब कोई आपका अपडेट आता है तो उस टाइम पे आप लोगों की सेंसिटिविटी सेटिंग होती है वो पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। उस टाइम पे आप लोग को अपनी पूरी की पूरी सेंसिटिविटी वापस से क्रिएट करनी पड़ती है, फिर वापस से आप लोग नई सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार करते हो। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों को कभी भी अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एक परमानेंट सेंसिटिविटी सेटिंग क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सेकंड टाइम में तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना हूँ। क्या देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको वहां पर सब्सक्राइब वाला बटन भी दिख रहा होगा, सिंपली वो ब्लैक कलर का होता है, तो आप लोग को उस पर प्रेस करके उसे बाइट कर देना है। और मेरे पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट इसलिए कर देना क्योंकि जब भी मैं कोई लाइव स्ट्रीम करूँ या फिर मैं जब भी कोई वीडियो बना के डालू तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो अभी हम बात करते हैं परमानेंट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात। तो देखो, आप में से हर किसी बंदे की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोग गूगल क्रोम से जाके वो सेंसिटिविटी सेटिंग तैयार कर सकते हो। अब जैसे मान के चलो मेरी ये वाली सेंसिटिविटी, आप लोगों की भी कोई ना कोई सेंसिटिविटी सेटिंग होगी। अब आप लोगों ने अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर कोई भी सेंसिटिविटी सेटिंग बना के रख रखी है, उस टाइम पे आप लोगों के बन टैप भी अच्छे पड़ते हैं, हेडशॉट भी अच्छे पड़ते हैं। लेकिन कई कई बार आप लोगों के साथ या फिर आप लोगों को जब भी ऐसा लगे कि मेरे बन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं या फिर मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे,
रहे हैं उस टाइम पे आप लोग गलती क्या करते हो कि अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को पूरा का पूरा चेंज कर देते हो, जिससे कि आप लोगों के ना तो बन टैप पड़ते हैं ना ही हेडशॉट पड़ते हैं। यानी आप लोगों को बार बार अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग चेंज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग बना के रख रखी है परमानेंट, आप लोगों को वही सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी है। लेकिन आपको जब भी ऐसा लगे दो तीन घंटे बाद गेम खेलो, फिर दो तीन दिन बाद गेम खेलो, फिर एक महीने बाद गेम खेलो और आपको लगे कि मेरे बन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, फिर मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर सिंपली आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग होती है उसे आप लोगों को रीसेट कर देना। रीसेट करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर वही सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी है जो कि आप लोगों की पहले थी। तो आप लोगों को आज से सिंपली छोटा सा काम करना है कि जब जब आपको लगे कि मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे, फिर मेरे बन टैप नहीं पड़ रहे, तब तब आप लोगों को इसे रीसेट करना और वापस से वही सेंसिटिविटी सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर रख देनी है। आप में से ऐसे बहुत सारे बंदे जो कि अपना फ्री में चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हैं, फिर मेरे साथ खेलना चाहते हैं, फिर मेरी गिल्ड में आना चाहते हैं, फिर मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक शॉर्टकट बताता हूं कैसे आप लोग अपने चैनल का फ्री में प्रमोशन करवा सकते हो, कैसे मेरे साथ खेल सकते हो और किस तरीके से मेरी गिल्ड में आ सकते हो। तो उस चैनल की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखी है, यानी मेरे सेकंड चैनल है, वहां पर मैं डेली की डेली शाम के 6 बजे या फिर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं लाइव स्ट्रीम किया करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे चैनल का फ्री में प्रमोशन हो या फिर हमको मनु भाई के साथ खेलना है, फिर हमको इनकी गिल्ड में जाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जाओ, सेकंड चैनल की लिंक मैंने डाल रखी, तो जाके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, जैसे ही मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो उस टाइम पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन इस चैनल पर भी दबा देना।